गोड्डा और गोड्डा के आसपास से है। गोड्डा सांसद के खिलाफ दायर सीएम की याचिका पर फिर टनी सुनवाई, अब 7 सितंबर की होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में दर्ज सूट पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। पिछली तारीख को सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन तकनीकी उपकरणों के कारण अदालत में 5 को सुनवाई नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री द्वारा दर्ज करवाई गई सिविल सूट की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में सब जज एक ही अदालत में होनी थी। इस मामले में सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अदालत में अब 7 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। गोड्डा में कोरोना संक्रमित महिला की इलाज के दौरान मौत। जिले के पोड़ियाहाट स्थित मर्सी कोविड हॉस्पिटल में इलाजरत एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। 64 वर्षीय महिला मागावा की ऊर्जा नगर कॉलोनी की रहने वाली थी। उनके पति ईसीएल में इंजीनियर हैं, वे जिले के जाने माने गजलकार भी हैं। बीते 4 दिनों से मर्सी कोविड हॉस्पिटल पोड़ियाहाट में उनकी पत्नी को वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों का कहना है कि फेफड़े में कोरोना का वायरस का संक्रमण होने से उसे बचाया नहीं जा सका। पूर्व से भी महिला हृदय रोग से ग्रसित थी। विशेष जांच में मिले 20 संक्रमित, 14 हुए स्वस्थ। गोड्डा जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को जिले के अलग अलग स्थानों में शिविर लगाकर कोरोना जांच की गई। ट्रूनेट और एंटीजन रैपिड टेस्ट में कुल 749 सैंपल की जांच की गई। उसमें जांच के दौरान जिले भर में ट्रूनेट से 9 और एंटीजन टेस्ट में 11 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं मर्सी हॉस्पिटल पोड़ियाहाट में शनिवार को सुबह एक महिला संक्रमित हो गई, जबकि कोविड केयर सेंटर सिकटिया से शनिवार को 14 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर गए। विशेष जांच अभियान में गोड्डा सदर, शहरी क्षेत्र बुआरी जोर, सुंदर पहाड़ी, पोड़ियाहाट, मेहरमा आदि प्रखंडों में कुल 20 संक्रमित पाए गए। प्रशासन जगह जगह संक्रमितों की पहचान कर उस एरिया को सील करने की कार्रवाई में जुट गई है। योजना के नाम पर ठगी मामले की डीडीसी से शिकायत। सदर प्रखंड की पंचायत जमनी पहाड़पुर के दर्जनों ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से उप विकास आयुक्त अंजलि यादव को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में स्थानीय मुखिया एवं वार्ड पार्षद पर आवास योजना, शौचालय योजना दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया है। बताया कि वे लोग असहाय गरीब परिवार से है, उन्हें केस मुकदमा में फंसाया जा रहा है, नियोजित उपाय हो। 56 वर्ष में ही आंगनबाड़ी सेविका को कर दिया गया सेवानिवृत्त। खबर पोड़ियाहाट से है। दुर्गापद पंचायत के तेली टोला की आंगनबाड़ी सेविका चंद्रमा देवी को 56 वर्ष में की उम्र में ही रिटायर कर दिया गया। सेविका ने सीडीपीओ पर आरोप लगाया है कि जबरन 56 वर्ष की उम्र में ही सेवानिवृत्त का पत्र दे दिया गया है। उन्हें पत्र दिखाते हुए कहा कि उसमें खुद उन्होंने लिखा है कि सरकारी प्रावधान है कि सेविका और सहायिका की उम्र 65 वर्ष तक होगी, जबकि उसकी उम्र अभी 56 वर्ष ही हो रही है। उन्होंने बताया कि जबकि उनके पास गोड्डा हॉस्पिटल से मेडिकल पदाधिकारी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी है। आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में उनका जन्म तिथि 1964 है। इसके बावजूद उन्होंने उन्हें सेवानिवृत्त का पत्र दे दिया। इधर मामले को लेकर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष डब्लू भगत ने बताया कि वह इस संबंध में जाकर खुद सीडीपीओ से मिले, लेकिन वे टालमटोल की नीति अपना रही है। उन्होंने बताया कि एक और राज्य सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने के लिए वादे कर रहे हैं, और वही दूसरी ओर इस पर भी कार्य प्रणाली कहीं न कहीं सरकार के मंशा पर सवाल उठ रहा है। खबर देवघर से। सीएम को ट्वीट कर पुजारियों ने कहा, देवघर की तरह इटखोरी का भद्रकाली मंदिर खोले। इटखोरी से 9 घंटे पहले सीएम को ट्वीट कर पुजारियों ने कहा, देवघर की तरह इटखोरी का भद्रकाली मंदिर खोलें। उन्होंने कहा, मंदिर में सेवारत 80 पुजारियों व परिजनों के सामने भुखमरी की स्थिति है। झारखंड के प्रसिद्ध मंदिर में देवघर के बाद अब इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर को भी खोलने की मांग होने लगी है। मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण को खोलने के लिए मां भद्रकाली मंदिर के पुरोहितों ने शनिवार को एक लिखित ज्ञापन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीट हैंडल पर भेजी है। ज्ञापन में कहा गया है कि मां भद्रकाली मंदिर झारखंड का पवित्र पर्यटन स्थल एवं सनातन बौद्ध तथा जैन धर्मावलंबियों की तीर्थ नगरी है, जो चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित है। यह मंदिर कोविड-19 वैश्विक महामारी कारण मार्च महीने से ही देशव्यापी लॉकडाउन के वक्त से ही बंद है। उसके बाद से अभी तक मंदिर परिसर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है।
जिसके कारण मंदिर में सेवारत 80 पुजारी एवं उनके परिजनों के सामने भूख की स्थिति पैदा हो गई है। देवघर में कोरोना के बाद मिले पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के मामले, सदर अस्पताल के डॉक्टर आए हैं उसकी चपेट में। देवघर कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद अब उनमें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जिले में अब तक ऐसा एक ही मामला सामने आया है, इसकी जानकारी कोरोना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर विधु विबोध ने दी है। उन्होंने बताया कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में संक्रमण के बाद निगेटिव आने के बाद उनके फेफड़े में संक्रमण रह जा रहा है। मधुपुर में खून की कमी से लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। खबर देवघर के मधुपुर से है। मधुपुर क्षेत्र में इन दिनों खून की कमी को लेकर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को मधुपुर की रिक्रिएशन संस्था की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर के नाम कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा को ज्ञापन सौंपा, उन्हें खून की कमी को लेकर अवगत कराया। अनुमंडल अस्पताल मधुपुर में वर्षों पूर्व ही रक्त संग्रहण से संबंधित सभी उपकरण इस अस्पताल को उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण अभी तक इसका संचालन नहीं हो पा सका है। संस्था के अजय पाठक ने बताया कि रक्त संग्रहण की एक मांग सामूहिक प्रयास है। जिले में जल्द ही युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से स्किल डेवलपमेंट कार्य शुरू होगा, उपायुक्त। बाबा बैद्यनाथ की तर्ज पर खुले राजरापा मंदिर। झारखंड के प्रसिद्ध विद्यापीठ राजरापा मंदिर खोलने को लेकर शनिवार को रामगढ़ विधायक ममता देवी के साथ मंदिर न्यास समिति के सदस्यों और दुकानदारों ने बैठक की। इस दौरान रामगढ़ की विधायिका ममता देवी के समक्ष मंदिर न्यास समिति व दुकानदारों ने रखी अपनी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि बाबा बासुकीनाथ व बाबा बैद्यनाथ धाम की तर्ज पर राजरापा मंदिर को भी खोला जाए। खबर है साहेबगंज से, रेलवे व एसएससी बोर्ड के चेयरमैन का फूंका पुतला। ताली बजाओ और थाली बजाओ कार्यक्रम तहत सदर प्रखंड के हाजीपुर पश्चिम पंचायत के राजगांव में बेरोजगार युवकों को शनिवार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव और एसएससी चेयरमैन ब्रजराज शर्मा का पुतला दहन किया। युवाओं ने बताया कि झारखंड में एक नई सरकार बनने के बाद से अब तक कोई बहाली नहीं की गई है। झारखंड सरकार ने चुनावी वादों में कहा था कि बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, सरकार अपने वायदों से मुकर रही है। युवाओं ने कहा है कि रेलवे बोर्ड द्वारा व एसएससी द्वारा कोई भी परीक्षा ली जाती है तो उसका रिजल्ट कब होगा कोई नहीं जानता। अप्रैल 2019 में रेलवे द्वारा बहाली निकाली गई थी, लेकिन 1.5 साल होने के बाद भी अब तक परीक्षा नहीं ली गई है। एसएससी द्वारा 2017 की बहाली अभी तक फाइनल नहीं की गई है, इसका कारण युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। मतदाता सूची में संशोधन पर हुई चर्चा। खबर बताया जा रहा है कि साहेबगंज के मंडरो से है। सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान मरांडी की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। इसमें सभी बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ को मतदान सूची से संबंधित जानकारी दी। इस दौरान बताया गया था कि प्रपत्र 8 एवं प्रपत्र 7 के माध्यम से ईपीआईसी एवं अन्य के सुधार हेतु एवं मृत स्थानांतरण मतदाताओं का प्रपत्र में विवरण भरने हेतु प्रदान किया गया था, जो अब तक प्रखंड निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। एक सप्ताह के अंदर सही प्रपत्र को भरकर जमा करने का निर्देश दिया गया। वहीं 15 नंबर बूथ के बीएलओ संतोष किस्कू को बनाया गया है। खबर है पाकुड़ से, कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए नियमित करे छापेमारी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि पाकुड़ अनुमंडल प्रभाग के विभिन्न थानों में केवल अगस्त माह में कुल 21 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अगस्त में पुराने मामलों को लेकर 26 मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान एसडीपीओ ने दर्ज मामलों की बारी बारी समीक्षा की। एसडीपीओ ने थाना में दर्ज लंबित कांडों के निष्पादन, फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती अन्य में तेजी लाने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया। एसडीपीओ ने कहा कि जिले में अवैध धंधेबाजों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से छापेमारी करें। उन्होंने कहा है कि कोविड 19 को लेकर विशेष सतर्कता बरतें। मौके पर पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव, पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, अभय शंकर, थाना प्रभारी दिलीप मलिक, राजकुमार सिंह, प्रेम भगत सहित अन्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य के अनुरूप लाए तेजी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मनरेगा का तहत संचालित योजना के प्रगति कार्य की समीक्षा की। उन्होंने वित्त वर्ष 2016-17, 18-19, 19-20 की समीक्षा की। इसके बाद वित्त वर्ष 2019-20 में विशेष
फोकस करने के लिए कहा। उपायुक्त ने कहा है कि पूरे राज्य में जिले का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसमें अविलंब सुधार लाने का निर्देश दिया है। कहा कि लक्ष्य के अनुरूप जियो टैगिंग कर लाभुकों का निबंधन कर वैसे लाभुक जिन्हें चौथी किस्त का भुगतान कर दिया गया है उनका आवास निर्माण कार्य अविलंब पूरा कराने के लिए कहा। वहीं जिन लाभुकों को तीसरी किस्त दी गई है उन्हें लक्ष्य अनुरूप निर्माण कार्य पूरा कर चौथी किस्त का भुगतान सुनिश्चित कर आवास निर्माण को पूरा करने को कहा है। उन्होंने सही प्रखंडों के प्रखंड समन्वय को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा कि निर्माण कार्य की अनियमितता मॉनिटरिंग का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए। मनरेगा के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना एवं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत संचालित है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।